नमस्कार, नवहर टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। राजधानी रांची की पांच प्रमुख गतिविधियां आज इस तरह रही। झारखंड उच्च न्यायालय में आज 7वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा मामले में सुनवाई हुई। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से कोर्ट में शपथ पत्र दायर कर इस प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करने की अनुमति मांगी गई है। पिछले दिनों हुई सुनवाई के दौरान परीक्षा परिणाम को चुनौती दी गई थी और आयोग की ओर से 28 जनवरी से होने वाली मुख्य परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया था। भाजपा नेताओं के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज राजभवन जाकर राजपाल रमेश बैस से मुलाकात की। पार्टी नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा खनन पट्टा आवंटन मामले में बरती गई अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। और राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं और खान को जो उन्होंने आवंटित कराया, खनन विभाग के भी वो मंत्री, अर्थात अपने फायदे के लिए पद का उन्होंने दुरुपयोग किया है, अर्थात भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत ये दंडनीय अपराध है। फिर आईपीसी का भी ये उल्लंघन, क्योंकि स्पष्ट रूप से राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो सरकारी सेवक होते हैं और ये जो जमीन है सरकारी जमीन है, और फिर मुख्यमंत्री अपने नाम से या खान मंत्री अपने नाम से ही वो आवंटित करे और वो लीज ले, ये बिल्कुल गैर कानूनी। इधर राज्यपाल रमेश बैस से अनुसूचित जनजाति सुरक्षा मंच के एक शिष्टमंडल ने भी राजभवन जाकर मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर झारखंड विधानसभा द्वारा पारित झारखंड भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 पर रोक लगाने की मांग की गई। आज सुपार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो के अध्यक्षता में आज पार्टी पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि जन भागीदारी से ही पार्टी अन्य दलों के समानांतर या उससे आगे निकल सकती है, और आगे निकलने का ये पॉलिटिकली में लोगों को जोड़ के ही आगे निकलेंगे ना, अकेले तो आगे निकल नहीं सकते हैं। जब आपके साथ इतने लोग साथ में चलेंगे, इतने परिवार साथ में जुड़ेंगे, तब जाके आपके आगे जाने का कोई मतलब होता है। चार निरोधक ब्यूरो एसीबी को आज एक बड़ी सफलता मिली है। एसीबी रांची की टीम ने गुमला के घाघरा प्रखंड कार्यालय स्थित बीपीओ विपिन कुमार को 5,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। नवहर टाइम्स ऑनलाइन के लिए रांची से मैं रवि सिन्हा।